उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर से तकरार की खबर है। क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि ओबीसी सम्मेलन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, और इस सम्मेलन के दौरान ही एक बयान दिया केशव प्रसाद मौर्य ने कि चुनाव जो है वो सरकार नहीं लड़ती बल्कि पार्टी लड़ती है। और जब योगी आदित्यनाथ उस सम्मेलन में शामिल होने आए तो उससे पहले ही दोनों डिप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के जा चुके थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण नेता को बनाया है, जिसके बाद से अखिलेश जिस प्रकार से पीडीए उन्होंने गठबंधन बनाया, एक बड़े वोट बैंक पर सेध लगाई, अब उनकी जो नज़र है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर भी है, और इसने भी यूपी की सियासत को उपचुनाव से पहले बहुत तेज कर दिया है। अब इन सब का असर उपचुनाव पर क्या पड़ेगा, आने वाले विधानसभा उपचुनाव पर क्या पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं india.com के। अरुण सर, बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बहुत उथल पुथल है, नेताओं के बयानबाजी खूब हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य कभी अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं तो कभी वो बिल्कुल इशारों में सरकार की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो क्या है, एक ब्राह्मण चेहरे को जिस तरीके से बड़ा पद दिया है सपा ने, उसका क्या असर पड़ने वाला है? नरेश, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से काफ़ी गरमाई हुई है जी। वहाँ दो तरह की राजनीति चल रही है, ब्लेम गेम का भी चल रहा है कि किसके ठीक सिरे पे जो है हार का ठीकरा फोड़ा जाए, और दूसरा जो चूंकि सरकार कमजोर हुई है, सरकार कमजोर इस तरह से हुई है कि पहले एक सुर में हुआ करता था कि बीजेपी यूनाइटेड है और फैक्शन जो डिफरेंट फैक्शंस नहीं है वहाँ पर, लेकिन अब वो जो उसके भार के बाद में जो है कम सीटें 33 सीट बीजेपी जीती है, और उसके ऑपोजिशन में जो है आप देखें तो समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत चुकी है लोकसभा में। आने वाले समय में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है असेंबली की सीट्स पे, तो चैलेंजेज बीजेपी के सामने कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पार्टी में एकता भी बनाए रखनी है, साथ में जो ये 10 सीट का जो चैलेंज है उसको भी फेस करना है। उसमें सबसे चैलेंजिंग सीट जो है 2-3-5 सीट तो समाजवादी पार्टी के पास थी ही, उसमें से जो मिल्कीपुर जो कि फैजाबाद और अयोध्या के पास जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है जिससे कि अवधेश प्रसाद जीते थे, 9 बार से वो MLA रहा थे, और उन्होंने जो है जब मैं आपको बता दूं कि वो दलित नेता होते हुए, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, दलित नेता होते हुए भी उन्होंने फैजाबाद की अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी पे, वो भी जहाँ पर अयोध्या है, राम मंदिर का टेम्पल बना, उस सीट पर जो है अपने कंसोलिडेटेड दलित वोट बैंक के साथ में और नॉन ओबीसी वोट बैंक के साथ में, प्लस यादव का जो उनका कॉम्बिनेशन बना मुस्लिम वोट के साथ में, ये जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक पूरा कंसोलिडेटेड, लेकिन उन्होंने जो है एक तरह से जायंट किलिंग की है। लल्लू सिंह जो है राजपूत नेता, उनको हराया जो कि वेटरन लीडर थे, उनका नाम था, और अवधेश प्रसाद जी को शायद इतना लोग नहीं जानते थे जिस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय उनका नाम लेकिन अब जानने लग गए हैं, लोग जानने लग गए। तो इस राजनीति के बीच में जैसा कि आपने बताया कि जो मौर्य साहब ने जो है फिर से एक तरह से जो है आवाज़ उठाई है, अभी 2 दिन पहले जो है इस सम्मेलन जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया, उसमें योगी और ये जो डेप्यूटी 2 चीफ मिनिस्टर थे इनके साथ में बातचीत हुई है। संगठन ने क्या राय दी है ये तो पूरी तरह से बात नहीं आ गई है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि योगी को जो हटाने की कवायद चल रही थी उस पर विराम लग गया है, और चीफ मिनिस्टर योगी जो हैं अभी उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे, और हो सकता है 2027 का जो असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्योंकि उसके बीच में मैं क्रूशल सी बात आपको बताऊँ कि योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो प्रो हिंदुत्व की बात करते हैं वो हार्डलाइन हिंदुत्व को सिंबलाइज करते हैं योगी जी, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और साथ में जो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नो नॉनसेंस मैन, और उसके बाद में जो है उनके साथ में जो करप्शन के किसी केस का डायरेक्ट आक्षेप न होने की बात, ये सभी सारे फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं, तो योगी जो है वाकई में जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बिल्कुल यूपी के लिए उपयोगी बने रहते हैं। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ये दावा करते हैं कि वो बड़े ओबीसी नेता हैं, उसी के दम पर वो अभी जितना कुछ चल रहा है उस पर अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी वोट सपा की ओर बढ़ा है, लगातार हमने देखा कि सपा ने पीडीए बनाया, उसके बाद ओबीसी वोट खूब खींचे, उसका रिजल्ट भी उनको मिला, और अब सपा की नज़र है ब्राह्मण वोटों पर, और लगातार योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगता है कि वो ठाकुरवाद वाली राजनीति करते हैं, ठाकुरों को बढ़ावा देते हैं, उससे ब्राह्मण वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज नजर आता है, तो ऐसे में कितना नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी नुकसान जो होना था वो हो चुका है जी,
उसकी भरपाई के प्रयास चल रहे हैं इस समय। उसी सीरीज में आप देखेंगे कि जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप देखेंगे कि तकरीबन 100 से ज़्यादा MLA से वेस्टर्न UP चाहे सेंट्रल UP सबको लेकर जो है अभी योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की। पंचायत के जो मेयर हैं और पंचायत के जो हेड्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और साथ में मेयर जो सिटीज़ के हैं उनके साथ मीटिंग की है। साथ ही में एक मैं इम्पोर्टेंट आपको एग्जांपल दूंगा कि जो अनुसुईया पटेल हैं कुर्मी जो नेता हैं एक तरह से देखा जाए OBC की नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को उनकी परंपरागत सीट सिराथू से हराया था। उनसे अभी जो उनकी मीटिंग अभी आदित्य योगीनाथ के योगी जी के साथ में हुई जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। उससे एक तीर से दो निशाने मैं आपको कहूँगा इस तरीके से कि उस OBC नेता से मिलने के बाद में आप देखेंगे कि उनकी बड़ी बहन जो कि अपना दल की नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं अनुसुईया पटेल पहली नेता थी जिन्होंने कि एक लेटर लिखा था कि जो राज्य में उत्तर प्रदेश में जो OBC अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसमें उनके जो कैंडिडेट्स हैं OBC के उनको किसी ग्राउंड पे जो है अयोग्य घोषित करके उनकी जगह जनरल कैंडिडेट्स जो है का चयन कर लिया जा रहा है। तो वह पहला पत्र जो कि उन्होंने OBC पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि वो OBC की नेता है किसी तरह से जीती इस बार तो उन्होंने जो लेटर लिखा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को तो उसके जवाब में भी आता है कि उनके घर का एक सदस्य जो है उनके साथ मिल रहा है। दूसरा ये भी था कि केशव प्रसाद मौर्य की को हराने वाली नेता से भी उनका मिलना ये भी एक सिग्निफिकेंट था। तो इस तरीके से उन्होंने एक OBC कार्ड जो है खेला है मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से ताकि उन लोगों को भी अपने साथ लाया जाए जो इन दोनों नेताओं के जो प्रतिद्वंदी हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि उन्होंने इसके साथ में एक और बात कही है कि जो 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 अपने साथ के सभी लोगों का शक्ति प्रदर्शन दिखा के कि अभी भी उनके साथ काफ़ी लोग हैं जिनके और केंद्र में भी उन्होंने जो मीटिंग की तो उसके साथ में उन्होंने अपना पक्ष पूरी तरह से रख दिया है। और आपके बताऊं उनकी नेतृत्व में ही मैं थोड़ा सा पिछला आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि उनके इस बार की जो सरकार बनी है उसके नेतृत्व उनके नेतृत्व में ही जो है उत्तर प्रदेश जो कि 6वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है यूपी में पैदा हुआ है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि उसके साथ ही में जो प्रधानमंत्री और उनके फेसेज के मिलने की मैं बात कर रहा हूँ तो उनका जो कॉम्बिनेशन की तो उत्तर प्रदेश इस बार इतनी सीट कम पाया है लोकसभा में लेकिन इसके पिछला वाला जो असेंबली इलेक्शन था उसमें जो 40% प्लस जो वोट बैंक मिला था उससे कम नहीं हुआ है, उससे 2-4-5% ज़्यादा ही हुआ है। तो इन दोनों लोगों के कॉम्बिनेशन में ये पॉजिटिव बात है कि वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ BJP का, वो भी 40%+ है। और आप देखेंगे कि 40%+ में भी वो लोग जो है इतनी सीट हारे हैं लेकिन इसमें ये भी संभावना छुपी हुई है कि अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ेंगे तो इसी वोट परसेंटेज में वो आने वाले लड़ाई को भी फिर से जीतेंगे। बिल्कुल सर, इन सबके बीच में माता प्रसाद पांडे की बात करें तो वो उतने बड़े ब्राह्मण चेहरे भी नजर नहीं आते उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल से आते हैं लेकिन उन्हीं को उनके जिन जिन का नाम चल रहा था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अच्छे अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, नामी नेता थे लेकिन अखिलेश ने एक ब्राह्मण नेता को ही नेता प्रतिपक्ष का पद दिया, क्या थी इसके पीछे? देखिए जो समाजवादी पार्टी में जो है थोड़ा सा ये एक टैक्टिकल शिफ्ट है टैक्टिकल शिफ्ट समय के साथ यानी यूं कहें समय की मांग भी थी। ऐसे तो दूसरे बहुत बड़े नेता हैं जो शिवपाल जी जो उनके चाचा भी हैं और वेटरन लीडर भी ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए वो बहुत सक्षम व्यक्ति हैं तो उनको न बना के अगर पार्टी ने डिसाइड किया है माता प्रसाद पांडे को बनाने का तो उसके दो मीनिंग है। आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12-14% ब्राह्मीण वोट बैंक जो है वो ईस्टर्न यूपी की 100 से ज़्यादा सीट पे है जो कि प्रभावी है, 100 से ज़्यादा सीट प्रभावी है और कुछ 12 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर तकरीबन वो ईस्टर्न यूपी में ज़्यादा है जिसमें कि 12-15% ब्राह्मीण वोट बैंक है। तो ये जो डिसाइडिंग वोट बैंक है इसको मैं नहीं कहता कि माता प्रसाद पांडे बहुत बड़े ब्राह्मीण नेता हैं लेकिन ये जरूर बात है कि एक सीट से जो है उसी सीट से जो सिद्धार्थनगर की एक सीट है वो इटवा वहां से 5-6 बार से वो अगर देखा जाए तो वो लगातार जीतते हुए चले आ गए हैं। तो वो 8 बार MLA रह चुके हैं तो उनका प्रभाव क्षेत्र वहाँ पर है। और एक ऐसे 80 साल के ब्राह्मीण नेता को इस समय जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना अपनी जगह पे अखिलेश जी ने अपनी जगह बनाया है तो एक बड़ा मैसेज जाता है। उसके लिए कारण है क्योंकि आपने देखा होगा कि ईस्टर्न यूपी की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है बलिया बलिया से जो है समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे लड़ रहे थे और सनातन पांडे के खिलाफ में जो है चंद्रशेखर जी को पूर्व प्रधानमंत्री रहे लगातार बलिया से MP रहे उनके लड़के नीरज शेखर को लड़ाया गया
नीरज शेखर को लड़ाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और सनातन पांडे जो है जीत गए जी। पिछली बार सिर्फ वो मात्र 15,000 वोट से हारे थे, तो उसका मैसेज क्या गया? उसका मैसेज ये था कि ईस्टर्न यूपी में जो ब्राह्मीण वोट बैंक है वो बीजेपी के नेतृत्व से इस समय खुश नहीं था, और तकरीबन रिपोर्ट्स कहती हैं कि 7% जो वोट बैंक है ब्राह्मीन्स का वो खिसक गया। तो 7% वोट बैंक जो खिसका हुआ है उसको बनाए रखने के लिए ये एक बड़ी जबरदस्त चाल है। प्लस मैं आपको बताऊं जो इस समय डेस्परेशन है जो समाजवादी कैंप में, उनको लगता है कि जो पीडीए हमने बनाया था पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अलायंस, उसमें अगर ब्राह्मीण वोट का ये 12-10% या 7-8% जुड़ता है तो ये जो है गेम चेंजर हो जाएगा। और यही वोट बैंक आप देखेंगे कि 2007-12 जो मायावती भी की सरकार थी तो ये 100 सीटों का जो फ्लोट हुआ ना उनकी तरफ आया, तो उसके बाद उनकी मेजोरिटी सिंगल। बिल्कुल सर, अखिलेश भी जानते हैं कि उन्हें टक्कर उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं, तभी वो योगी आदित्यनाथ, वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से जो ठाकुर वोट है खुश है, इसलिए उन्होंने बड़ी सेंध लगाई है ब्राह्मण वोट पर। क्या कहते हैं? देखिए, ठाकुर और ब्राह्मीण वोट की बात नहीं, सिर्फ आप इस तरीके से देखेंगे तो सिर्फ ब्राह्मीण ठाकुर वोट बैंक के सहारे भी योगी आदित्यनाथ नहीं है, उनके साथ जो एक पूरा कॉम्बिनेशन है इसमें कि ब्राह्मीण वोट बैंक हो, राजपूत वोट बैंक हो, नॉन ओबीसी में माइनस यादव आप कर दीजिए, नॉन ओबीसी वोट बैंक हो और जो वेस्टर्न यूपी का जाट है या इस तरह के जो छोटी छोटी और कास्ट है, तो पूरा एक अलायंस जो बीजेपी के साथ में था वो उनके पीछे है। ये जरूर कहा जाता है कि उनको जो है उनके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं कि वो जो है राजपूत कास्ट को जो प्रश्रय देते, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। इस बार उनसे राजा भैया नाराज थे, तो राजा भैया जो छतरी बहुत बड़े 2-3 जिलों में जो है उनकी एक साख बनी हुई, तो वो उस तरह से बीजेपी को नहीं सपोर्ट किए, ये भी एक कारण था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो निर्विवाद छत्रियों के नेता हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन है, जब बड़ी पार्टी के साथ में एक चेहरा होता है तो उसके साथ में पूरा काडर का जो वोट बैंक होता है, जो सम्मिलित वोट बैंक होता है, वो उसकी शक्ति होती है, उसके साथ में वो सशक्त दिखते हैं। बिल्कुल सर, बीजेपी के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रही है, तो उसका असर इस उपचुनाव में जरूर दिखेगा हमें। इस उपचुनाव में मैं आपको बात बताऊं कि 5 सीट जो है उनके पास में है, समाजवादी पार्टी के पास में ऑलरेडी है, और 3 सीट जो बीजेपी के पास में है, और एक सीट जो है निषाद पार्टी और एक और बीजेपी समर्थित जो उनके अलाई है उनके पास में है। तो इन जो 5-5 का जो कॉम्बिनेशन है उसके बीच में सबसे बड़ी साख की लड़ाई है जो मिल्कीपुर सीट, जैसा कि मैंने कहा, अगर मिल्कीपुर सीट नहीं जीतती है बीजेपी, जिसके लिए उन्होंने एक डोर टू डोर अभियान शुरू किया है, तो उनके लिए जो है एक नाक की बात हो गई है। अगर वो सीट जीतते हैं तो वो जो है एक तरह से थोड़ी सी भरपाई होगी, फेस सेविंग होगा। और जबकि अभी समय योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से सीएम योगी की जो रणनीति चल रही है, उनका मानना है कि वो लोग जो करहल की भी सीट जीतेंगे, क्योंकि मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है उसी की एक कंस्टिट्यूंसी करहल है, और वहां लगातार 6-7-8 बार जो है समाजवादी पार्टी ही जीतती रही, इस बार अखिलेश यादव जी ने भी जीता उसको, तो उस सीट को भी हराने का एक उनका जबरदस्त प्लान चल रहा है। अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेटजी इसी तरह की चल रही कि 10 में से एटलीस्ट 2 सीट ये जो है प्लस जो उन्होंने 3 जीती हुई है, उसके बाद में ये सीट भी जो उनको किसी एन प्रकारण जीतनी है। बिल्कुल सर, राजनीतिक मंच पर बीजेपी की स्थिति क्या है ये चुनाव डिसाइड करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत बड़ा उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गवाई है भारतीय जनता पार्टी ने। उसके कारण है, मैं आपको बताऊं कि जो काडर का जो सबसे पहला जो वहाँ के जो भूपेंद्र चौधरी ने जो रिपोर्ट दी, स्टेट चीफ हैं बीजेपी की, उन्होंने उसमें सबसे 2-3 बड़े कारण बताए, जो युवाओं का गुस्सा अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना में जो अग्निवीरों की भर्ती, दूसरा प्राइस राइज था, तीसरा जो पार्टी काडर में जो असंतोष था, ये सब कारणों में जो है आप देखेंगे कि यूथ वोट बैंक का गुस्सा होना, प्राइस राइज, ये भी बड़े मुद्दे थे जिसकी तरफ जो है रियल इशू जिसको कह सकते हैं, इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। और साथ में अगर आप जो पार्टी का डर नाराज होगा, तो जो उनका नॉन ओबीसी वोट बैंक है, जिससे मौर्या जी भी उसी नॉन ओबीसी वोट बैंक से आते हैं, तो ये तकरीबन लोग रिपोर्ट्स आ रही थी उस समय कि इसमें भी खिसका हुआ है, इसमें भी तकरीबन 19-20% जो है 18-20% वोट कुछ कुछ जगहों पे जो खिसक के समाजवादी पार्टी को दे दिया है वोट। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो उनका परंपरागत वोट बैंक जो बना हुआ था कंसोलिडेटेड, उसको कैसे और फिर से कंसोलिडेट किया जाए। बिल्कुल सर, हालांकि इस बजट में काफ़ी चीज़ें सुधारने की कोशिश सरकार ने की है, काफ़ी युवाओं के लिए भी कुछ लुभावनी चीज़ें सरकार लेकर आई है इस बजट में, लेकिन पार्टी के अंदर जो जिस तरीके से क्लेश चल रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल
उस मुश्किल बीजेपी के लिए पैदा कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आने सितंबर अक्टूबर में 3 या 4 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं और यूपी उपचुनाव पर जो रिजल्ट उसका आएगा उसका प्रभाव जो है इन चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत पर हमने बातचीत की, इसके बाद रोजाना हम जितने भी पॉलिटिकल उठापटक देश में होती है आपको बताते रहते हैं। रोजाना जुड़े रहिए पोल पंच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।